कुछ डार्क प्रिंट के कपड़े जो होते हैं वो हमेशा कलर छोड़ते हैं। ज़्यादातर ब्लू और डीप पिंक या रेड कलर का जो न्यू कपड़ा होता है उसे धोने से अक्सर कलर निकल जाता है, और बार बार कलर निकलता है तो कपड़े का रंग भी जो है ख़राब हो जाता है, डिसकलर हो जाता है, फिर वह कपड़ा बेकार सा लगता है और उसे दोबारा पहनने का मन भी नहीं करता। फिर यह भी दिक्कत आती है कि कपड़ा जब रंग निकलता है तो एक दूसरे कपड़े में उसका रंग लग भी जाता है, इससे और हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कपड़ा का रंग एक बार हल्के से निकलने के बाद दोबारा धोने से कभी रंग नहीं निकलेगा। उसका जो भी एक्स्ट्रा कलर रहेगा वह पहली बार में ही वॉश होकर निकल जाएगा और दोबारा कपड़े का रंग नहीं उतरेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल। तो आप लोग सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे मज़ेदार और ख़ास ट्रिक। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में जो है बिल्कुल ठंडा पानी ले लेना है। तो पानी जो है कपड़े के क्वांटिटी के अनुसार ही लेना है। तो आपका जितना कपड़ा रहेगा आप उसकी मात्रा में जो है पानी को ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 5 से 6 लीटर पानी ले रही हूँ। अब उसमें डालना क्या है, फिटकरी, फिटकरी जिसे एलम कहते हैं। तो यहाँ मैंने एक मुट्ठी भर के जो है फिटकरी ले लिया है। तो यह फिटकरी जो है 25 से 30 ग्राम फिटकरी मैं यहाँ पर ले रही हूँ, और इसे पानी में जो है अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो फिटकरी का मैंने यहाँ पर चूर्ण बना लिया है, उसे पीस करके जो अच्छे से चूर्ण बना देना है जिससे कि पानी में वो आसानी से गल जाए। तो ये फिटकरी जो है आपको कोई भी किराना का दुकान में जो है या मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो इसे पानी में डाल करके जो है अच्छे तरीके से गलाने के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो मैं डाल रही हूँ वह है नमक। तो मैं नमक यहाँ एक मुट्ठी भर के डाल रही हूँ, करीब करीब 50 ग्राम के आसपास। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना कपड़ा है और आपने कितना पानी लिया है। तो मेरे 2-3 ही कपड़े हैं और मैं उसी के अनुसार 5 से 6 लीटर पानी लिया है और फिटकरी नमक उसी के क्वांटिटी के अनुसार डाला है। तो अब करना क्या है कि जिस कपड़े का कलर निकलेगा उसे एक एक करके कपड़े को पानी में डाल करके अच्छे से डुबो देना है। यदि आपके पास कॉटन का बेडशीट है और यदि उसका भी यदि कलर निकल रहा है तो आप कॉटन के बेडशीट को भी जो इसी तरीके से वॉश करने से उसका दोबारा जो है कलर नहीं निकलेगा। आप एक बार इस ट्रिक को आजमा करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ जो है डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ये और रंग नहीं छूटेगा, कलर जितना भी थोड़ा बहुत निकलने का होगा वो अभी ही थोड़ा बहुत निकलेगा, बाद में जो है दोबारा कलर नहीं निकलेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ सभी कपड़े को जो है आपका जितना भी कपड़ा का रंग निकल रहा है सभी कपड़े को एक ही टब में एक ही साथ जो है डुबो देना है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि यहाँ जितने सारे कपड़े मैं डाल रही हूँ तो उसका तो कलर निकलेगा, यहाँ एक दूसरे के साथ वो कलर लग जाएगा, लेकिन यहाँ एक दूसरे के साथ वो कलर नहीं लगेगा क्योंकि वह कलर जो है जितना एक्स्ट्रा कलर है वो पानी में ही घुल के रह जाएगा। तो अब मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो 2 घंटे के बाद मैं मिलती हूँ और कपड़े को दिखाती हूँ। 2 घंटे में मैं एक साथ बाल्टी की पानी ले रही हूँ, इसे इस तरीके से कपड़े को उठाते हुए जो है सारे कपड़े को टब से उठाते हुए जो है पानी में डालते जाना है। तो कुछ कपड़े का कलर जो है फिक्स होता है, कलर नहीं निकलता है, और कुछ कपड़े का कलर थोड़ा बहुत निकलता भी है तो वह जो है पानी में ही घुल के रह जाता है, वो आज ही निकलेगा, दोबारा धोने से जो है कपड़ा का कलर नहीं निकलेगा। तो सारे कपड़े को एक बार साफ पानी से जो अच्छे से वॉश कर लेना है या तो 2 पानी से भी इसे अच्छे से धो लेना है जिससे नमक और फिटकरी का सारा जो है पानी जो है उसमें जो भी है वो निकल के पानी में रह जाएगा और अच्छे से कपड़ा वॉश हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात यह भी है कि फिटकरी और नमक से कपड़े जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसे मुलायम और सॉफ्ट कैसे करें तो ये भी मैं बताऊंगी। अब सारे कपड़े को जो अच्छे से मैंने 2 पानी से जो है धो लिया है, तो यहाँ अच्छे से जो है 2 पानी से आपको धो लेना है और धो करके सारे कपड़े को जो है एक टब में या बाल्टी में जो है उसे रख लेना है। तो फिर से मैंने एक साफ बाल्टी पानी ले लिया है। अब उसमें जो है 1 चम्मच या 2 चम्मच विनेगर डाल देंगे जो कि हम लोग चाउमीन वगैरह में खाते हैं। अब विनेगर को जो है पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कपड़ों को इसमें डाल देंगे और आधे घंटे के लिए उसे छोड़ देंगे। तो देखिए कलर
ये दूसरे बाल्टी का जो है कलर देखिए कितना कम निकला है। अब कपड़ा को निकाल करके अच्छे से सूखने दे देना है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं किसी का भी कलर जो है एक दूसरे कपड़े में नहीं लगा है। मैं हमेशा इसी तरीके से कपड़े धोती हूँ, चाहे वह कॉटन का कपड़ा हो या कोई और कपड़ा हो। आप इस तरीके से कपड़े को धो करके जो है हमेशा के लिए नए जैसा रख सकते हैं और आपको यह भी डर नहीं रहेगा कि कपड़े का कलर चला जाएगा। तो फ्रेंड आज से आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, आपको 100% ज़रूर लाभ मिलेगा। यह बहुत ही अच्छी टिप्स है। अभी त्यौहारों का सीजन भी आ रहा है जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, तो आप इस तरीके से नए कपड़े को धो करके अपने कपड़े को कलर को फिक्स कर सकते हैं और बिल्कुल हमेशा एक नया जैसा ही लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सभी फैमिली फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और यदि मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर एक नए यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।